हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन ट्री। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, उसके हिसाब से हम लोग को ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले आपको ये देखना है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या है। तो यहाँ पे इजीली दिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में भी ब्रैकेट है, राइट साइड में भी ब्रैकेट है, ठीक है। तो द लीव ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री आर ऑपरेंड सच एज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल और नेम। मतलब लीफ में जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा या फिर कोई भी मतलब कॉन्स्टेंट वेरिएबल को ही हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। एंड द अदर नोड्स कंटेन ऑपरेटर, मतलब बीच बीच में ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर ट्री हैपन टू बी बाइनरी बिकॉज ऑल ऑफ द ऑपरेशन आर बाइनरी। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ही है, प्लस मल्टीप्लीकेशन जो भी है। एंड ऑल्दो दिस इज अ सिंपलेस्ट केस, इट इज पॉसिबल फॉर नोड्स टू हैव मोर देन टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो दो चिल्ड्रन से ज्यादा भी हम लोग उस टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो ईजी है। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ नोड टू हैव ओनली वन चाइल्ड। सो इन दिस केस यूनरी, अगर मान लीजिए आपका यूनरी माइनस ऑपरेटर है या फिर यूनरी प्लस ऑपरेटर, तो उस केस में सिंगल चाइल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे सारे बाइनरी एक्सप्रेशन है इसीलिए दो चाइल्ड होगा। तो हम लोग को ये ट्री एक्सप्रेशन ट्री इवेल्युएट करना है बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर एट द रूट टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय वैल्यू ऑब्टेन्ड रिकर्सिवली बाय इवेल्युएटिंग द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। तो जो भी ऑपरेटर है उसके यूज से हम लोग को लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे मेन क्या है इस क्वेश्चन में, ऑपरेटर दिया हुआ है बीच में प्लस और उसके लेफ्ट में दिया हुआ है ये एंड राइट में दिया हुआ है ये। तो यहाँ से बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि लेफ्ट सबट्री ये है, राइट सबट्री ये है। तो उसके हिसाब से हम लोग पहले प्लस को रूट ले सकते हैं, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर देंगे। अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि लेफ्ट एंड राइट में किसको कहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद आपको देखना है कि लेफ्ट सबट्री में क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी स्टार सी है, तो आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। तो लेफ्ट टू राइट स्कैन अगर आप करेंगे तो बेसिकली एक्सप्रेशन ट्री में हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पहले ब्रैकेट को, उसके बाद अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करके सारा ऑपरेटर हम लोग प्लेस करेंगे ट्री पे। तो यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, पहले तो दो ब्रैकेट था, उसके बाद लेफ्ट सबट्री में गए तो यहाँ पे कुछ भी ब्रैकेट नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या क्या ऑपरेटर है, पहले प्लस है तो पहले आप प्लस डालिए एंड उसके साथ जो भी ऑपरेटर है उसको प्लेस कीजिए। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, स्टार है, तो आप नेक्स्ट ऑपरेटर राइट हैंड साइड में स्टार डालिए और उसके दोनों साइड में दोनों ऑपरेंड डालिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एक्सप्रेशन ट्री लिए हैं तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो इन ऑर्डर में है। आप देख सकते हैं दोनों ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर है, तो लेफ्ट सब ट्री ऑपरेटर एंड राइट सब ट्री है। इसीलिए हम लोग हर एक ऑपरेंड डालने के बाद लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, एक नोड डाल रहे हैं, उसके बाद राइट में फिर से ऑपरेंड, फिर लेफ्ट राइट में ऑपरेंड्स, ठीक है। अभी फिर से राइट में आएंगे तो राइट में सबसे फिर से यहाँ पे ब्रैकेट से डिवाइडेड है, डी ई एफ एक ब्रैकेट में है, जी और एक ब्रैकेट में है, तो ये दोनों के बीच में जो है आपका ऑपरेटर उसको आप डालिए बीच में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए लेफ्ट सबट्री इधर है, राइट सबट्री इधर है, तो पहले ये एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर स्टार आ रहा है, फिर राइट में जी आ रहा है, तो आप राइट में जी डाल दीजिए। फिर लेफ्ट को अगर आप देखते हैं तो पहले स्टार है फिर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो पहले आपका स्टार आना है फिर प्लस आना है। तो मतलब पहले अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक स्टार ऑपरेटर है जहाँ पे डी एंड ई मल्टीप्लाइड है, फिर से एक प्लस ऑपरेटर है जिसके साथ आपका एफ एडेड है और ये प्लस ऑपरेटर एडेड है मेन मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस पहले डाले फिर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से गया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है इसीलिए थोड़ा डिफरेंट है। ये बीच में स्टार आया है, ये राइट में है, ये तो इजी है, लेकिन इस पार्ट में पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ फिर एडिशन फिर ये। अगर आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल बनाएंगे तो ये बहुत ही ईजी है। पहले देखिए हमारा लेफ्ट रूट, फिर राइट में फिर लेफ्ट रूट राइट, फिर मेन रूट आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, फिर आता है आपका रूट राइट, फिर रूट एंड राइट। तो इसी तरह आपका एक्सप्रेशन बन जाता है।